एंड वेलकम टू आवर चैनल माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय छेत्री आपका दोस्त एक बार फिर से नई और अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज का टॉपिक है क्रिएशन और क्रिएटर, अर्थात आपका विश्वास किस पे है, सृष्टि की हुई चीज़ों पर या सृष्टिकर्ता पर। दोस्तों, आज का यह टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी घर को मजबूत बनाना हो तो उसका फाउंडेशन यानी कि जग पहले मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा विश्वास का फाउंडेशन मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती का अपने जीवन में सामना कर सकते हैं। पर हमारा विश्वास का जग मजबूत ना हो तो हम पल पल टूटकर बिखर सकते हैं या इमेच्योर या कमज़ोर दिल इंसान बनकर रह जाते हैं। आई होप कोई भी व्यक्ति कमज़ोर बनना नहीं चाहता होगा, है ना? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि मैं आपके विश्वास के फाउंडेशन को और भी मजबूत बनाने में मदद कर सकूं। उदाहरण के तौर पर मैं बाइबल की एक सच्ची घटना को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला राजा 18 अध्याय से, जहां एलिया अगमबक्ता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानते थे और बाल नामक देवता के अगमबक्ताओं के बीच एक मुकाबला होता है कि किसके परमेश्वर सच्चे हैं। एलिया अगमबक्ता जो अकेले थे, बाल देवता के अगमबक्ताओं से जो 450 से भी अधिक थे, ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल देवता परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। इतना कहकर एलिया एक शर्त रखते हैं कि चलो हम लोग अपने परमेश्वर के नाम पे एक एक वेदी बनाकर उसमें बलि चढ़ाए और अपने परमेश्वर को पुकारे कि वो हमारी वेदी में आग लगा दे, जिसका परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर आग गिराकर उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर होंगे। और इस बात पर सभी सहमत होते हैं। मुकाबला शुरू होता है पहले बाल देवता के अगमवक्ताओं से। वे अपनी वेदी बनाकर एक पशु बलि देते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वे अपने देवता को पुकारते हैं कि इनके वेदी में आग गिरा दे। और जब प्रार्थना से बात नहीं बनता तो वे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी रीति अनुसार तलवार और भालाओं से अपने आप को चोट पहुंचाकर अपने देवता को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर दुख की बात यह है कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एलिया का बारी आता है और वो भी अपना वेदी बनाता है और पशु बलि देता है और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हुए कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। सबको ये जानने दे कि तू ही वो सच्चा परमेश्वर है। तब परमेश्वर का आग स्वर्ग से गिरता है और वेदी को भस्म कर देता है। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है, एलिया का खुदा ही सच्चा परमेश्वर है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा दोनों पक्षों का विश्वास और उनका फाउंडेशन यानी कि जड़। जहाँ बाल देवता के अगमवक्ताओं का विश्वास सृष्टि की हुई चीज़ों पर था या किसी अदृश्य शक्ति पर जो कमज़ोर होने के कारण उन्हें निराश होना पड़ता है, और वहीं दूसरी ओर एलिया अगमवक्ता का विश्वास सृष्टिकर्ता पर होने के कारण वो अकेला ही सब पर भारी पड़ गया और साबित कर दिखाया कि उसका विश्वास पक्का है। तो दोस्तों, ये बात सच में मायने रखता है कि आपका विश्वास का जड़ क्या है, अर्थात कौन है। वो सच की बुनियाद पे है या फिर कोई काल्पनिक बातों पे आधारित है। इस बात को अवश्य जांचिए ताकि आपका विश्वास का जड़ और भी मजबूत बने और आप एक सक्सेसफुल जीवन जिए। और इस घटना से हमें ये भी ज्ञात होता है कि हमें सृष्टि पर नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की हुई चीज़ों में सामर्थ्य नहीं होता और वो हमें सिर्फ धोखा देता है, परंतु हमारा सृष्टिकर्ता सामर्थ्य होने के साथ साथ हमें अद्भुत प्रेम भी करते हैं और कभी धोखा नहीं देते। इसीलिए हमें उन्हें सही रूप में पहचानने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें अपने माता पिता ने बनाया और हम चाहकर भी उनके गुजर जाने के बाद उन्हें नहीं बना सकते, उसी प्रकार जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उस परमेश्वर को हम कभी नहीं बना सकते। सोच कर देखिए क्या गुजरता होगा उस पिता पर जिसके सामने उसके संतान किसी और को पापा बुलाए और किसी और पे भरोसा करे। कहीं हम भी अपने सृष्टिकर्ता को पापा बुलाना छोड़कर सृष्टि की हुई चीज़ों को तो पापा नहीं बुला रहे।
इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी दोस्त को मदद होगी तो अवश्य शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।